न्यूज़ वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्रीनगर हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का छात्र संघ समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल रहे। कार्यक्रम में गढ़वाल विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी कुल सचिव समेत विश्वविद्यालय के छात्र संघ के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। दोनों अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं छात्र संघ समारोह में मंच पर कुर्सी न मिलने पर एबीवीपी और जय हो छात्र संघ के कार्यकर्ताओं के बीच तू तू मैं भी हुई, जिसे पुलिस के हस्तक्षेप के बाद शांत कराया गया। छात्र संघ अध्यक्ष सुधांशु तपलियाल ने कहा कि छात्रों के हितों के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय का छात्र संघ छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। बसों की सुविधा सीयूटी खत्म करने जैसे मुद्दों को लेकर छात्र संघ छात्रों की लड़ाई लड़ता रहेगा। वहीं छात्र संघ पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय की वीसी के कार्यक्रम में न पहुंचने पर अपनी आपत्ति जाहिर की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि छात्र संघ राजनीति की प्रथम पाठशाला है, यहीं से सीखकर छात्र देश और राज्य की राजनीति में अपना दबदबा कायम करते हैं। सौभाग्य का बात है कि कोविड के बाद हम लोगों को टाइम मिला, हम लोगों के टाइम पे यहाँ पे छात्र संघ उद्घाटन समारोह हुआ, हम लोगों को सीखने को मिला है यहाँ पे कि कैसे हरीश रावत जी उनकी उम्र इतनी ज्यादा होने के बाद भी उनको, और हम लोग अभी नौजवान क्यों है तब भी ठंडे पड़े थे, उन सब सीखने को मिलता है कि हमें जो है अपने अंदर का जो जागरूक हमारे हमको करना है, अपने आप को उस चीज को बनाए रखना है और आगे चलकर हमें भी ऐसी समाज की सेवा करनी है। देखिए, जब तक आप धरातल पर काम नहीं करेंगे, जो बेसिक सवाल है राज्य के अंदर, सबसे बड़ा सवाल है पलायन रोकना, दूसरा सवाल है रोजगार सृजन का, तीसरा सवाल है विकास को गति देने का, फिर महिला सुरक्षा, दलित सुरक्षा, कानून व्यवस्था की स्थिति, ये सब बुनियादी चीजें हैं। इधर जंगली जानवरों का आतंक इतना बड़ा हो गया कि श्रीनगर जो हमारी शिक्षा नगरी है उसके चारों तरफ कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है प्रशासन को, जो है लोग न आ सके बाहर। तो ये सब स्थितियां हैं, इन स्थितियों को एड्रेस करने के बजाय आप ऐसे सवालों पर लोगों को उलझा रहे हैं जो लोगों के पेट और जीवन से संबंधित नहीं है। सलूर पगोनो मोटर मार्ग पर देर शाम को हुई वाहन दुर्घटना, एक महिला की मौत हो गई जबकि दो बच्चों सहित कुल 6 लोग घायल हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जोशीमठ से पगनो जा रही सवारी वाहन सलूर और पगनो गांव के बीच अचानक रंतित होकर गहरी खाई में जा गिरी। वाहन में सवार पगनो गांव निवासी काली देवी पत्नी आषाढ़ सिंह उम्र लगभग 60 साल की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि वाहन चालक मेहरबान सिंह के अलावा भोपाल लाल सरोजनी देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहन में सवार प्रदीप पवार के दो बच्चों को मामूली चोटें आई हैं और घटना की सूचना पर जोशीमठ के पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों की सीएचसी जोशीमठ में पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जनपद भ्रमण कार्यक्रम, जिलाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक गोचर हेलीपैड पहुंच चुके हैं। उसके बाद बीआरओ गेस्ट हाउस से मेला मैदान तक रोड शो में प्रतिभाग करने वाले हैं। इसके बाद मेला मैदान में आयोजित रंदा गौरा महोत्सव में प्रतिभाग, विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। उसके बाद देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। पांडुकेश्वर गांव में श्री कुबेर देवरा महोत्सव अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव के रूप में जाना जाता है पांडुकेश्वर गांव, और जिस पांडुकेश्वर गांव में होती है भगवान उद्धव जी और साथ में भगवान कुबेर जी की 6 महीने शीतकालीन पूजा। और बड़ी बात तो यह है कि इसी पांडुकेश्वर गांव में विगत कुछ दिनों से श्री कुबेर देवरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ यहां पर श्रीमद् भगवत कथा भी आयोजित की गई है, जिस दौरान यहाँ आए दिन सैकड़ों हजारों की तादाद में दूर दूर से पहुंचे हुए भक्त जन पहुंच रहे हैं, भगवान कुबेर जी का आशीर्वाद पा रहे थे। आपको बता दें कि कुबेर देवरा महोत्सव बसंत पंचमी के दिन यानी कि विधि विधान के अनुसार संपन्न हुआ। सुबह से भगवान कुबेर जी के भव्य मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी भी पांडुकेश्वर गांव पहुंचे, जहां पर स्थानीय ग्रामीणों ने विधायक राजेंद्र भंडारी के पांडुकेश्वर गांव में पहुंचने पर उनको स्वागत किया और साथ ही साथ वहां पर वो आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आए। देखिए, जो कुबेर देवता का जो भव्य मंदिर बना है, पहले उसके लिए समस्त ग्रामवासियों को बधाई है, पूरे इलाके को, पूरे उत्तराखंड के लोगों को, देशवासियों को बधाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, हमारी संस्कृति भी इन्हीं से जिंदा है। चैपला झूमेला जो हमारे यहाँ पर जो दौकड़ी जो चल रही है, यही तो हमारी पहचान है और उसको यहाँ पर जिंदा रखा हुआ है।
ये भगवान कुबेर देवता की ही कृपा है। और जो भी सुना मैंने कि इसके दरबार पे आता है, माथा टेकता है, उसकी मुरादें पूरी होती है। मैं भी अपनी मुराद लेके आया हूँ तो भगवान हमारी मुराद जरूर पूरी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट नामांकन करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भरने के लिए सुबह करीब 11 बजे विधानसभा से चुनाव अधिकारी कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही कैबिनेट मंत्री और विधायक भी मौजूद नजर आए। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट 2 अप्रैल को खाली हो रही है। बीजेपी ने महेंद्र भट्ट को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। राज्यसभा नामांकन के लिए विधानसभा पहुंचे महेंद्र भट्ट भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है। महेंद्र भट्ट 2 अप्रैल को खत्म हो रहे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल, महेंद्र भट्ट के साथ कैबिनेट मंत्री भाजपा विधायक मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट के नामांकन के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और भाजपा के विधायक मौजूद थे। आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष अनिता यादव ने चार्ज संभाला। आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष अनिता यादव ने पदभार ग्रहण किया। आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष ने चार्ज संभालते योजनाओं की प्रगति जानी है, अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। ताजनगरी आगरा के सौंदर्यकरण को लेकर तैयार की जाएगी नई योजनाएं। आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष अनिता यादव ने चार्ज संभालते ही कड़े तेवर दिखाए हैं। शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं को जल्द अमलीजामा पहनाना होगा। पहली प्राथमिकता 2017 बैच की तेज तर्रार आईएएस अधिकारी अनिता यादव ने पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि कार्यालय में भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आगरा शहर में अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों पर सुनिश्चित और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी मेरे पदीय दायित्व है उनका मैं निर्वहन करूंगी, अपनी पूरा प्रयास करूंगी। इस पद के जो भी मुझे कार्य सौंपे गए हैं उनको पूरा करने का क्या है, मैं अभी पहले काम समझूंगी, देखूंगी। यहाँ पे काम तो मैंने ज्वाइन किया है। सुल्तानपुर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने सबसे पहले विजित हुआ धाम में दर्शन किए। उसके बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करने के साथ ही कई सड़कों का लोकार्पण शिलान्यास किया। दरअसल लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितेन्द्र प्रसाद का कादीपुर विधानसभा में आगमन हुआ, जहां करौंदी कला में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए करोड़ों की लागत से बने कई नई सड़कों का शिलान्यास किया गया। वहीं लोगों संबोधित करते हुए जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि भाजपा निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। हमारी सरकार गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण कर रही है, जिससे गांव-गांव अच्छी सड़कों का निर्माण हो रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। निर्माणाधीन सड़कों के काम को समय रहते गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के अधीन जो भी सड़कें नई बन रही हैं उनका काम समय रहते पूर्ण किया जाएगा, और गाँव में या जो सड़कें बारिश में खराब हुई हैं उन्हें मरम्मत का काम भी किया जा रहा है ताकि वो समय पर पूरा हो सके। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित प्रसिद्ध सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले बसंत के अवसर पर दरगाह प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शमशाद अहमद एडवोकेट की रहनुमाई में प्रबंध समिति के सदस्यों, खुदाम और हजारों अकीदमंदों ने साहिब आस्ताना की मजार पर सदियों से चली आ रही परंपरानुसार हरी सब्जियां, फल फूल और मेवे की डोलियां पेश की हैं। आपको बता दें कि देश के तरक्की, खुशहाली, शांति, एकता और अमन चैन की दुआएं भी मांगी गई। इस मौके पर दरगाह गाजी पर एक महीने तक चलने वाले प्रसिद्ध मेला जेठ की तारीख का ऐलान करते हुए अध्यक्ष ने बताया कि 30 मई से 30 जून तक चलने वाले मेले का विशेष दिन 2 जून रविवार होगा, जिस रात जायरीन गाजमिया की प्रतीकात्मक बारात लेकर देश के विभिन्न प्रांतों से लाखों की संख्या में आकर मजार पर हाजिरी देते हुए अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करेंगे। साहिब अस्ताना की मजार पर डालियों को पेश करने के लिए बुधवार की दोपहर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शमशाद अहमद, एडवोकेट प्रभारी मैनेजर हाजी सैयद अलीमुल हक के साथ सदस्य दिलशाद अहमद, एडवोकेट गिरदावर काजी अजमत अल्लाह, अब्दुल रहमान, बच्चे भारती, मकसूद अहमद रायनी, अबसार अहमद, वसीम मकरानी, हीरो मकरानी, शकील अहमद, शमशेर अली, नजीमुल कहल तनु, इलियास अली शब्बू, शैद आरिफ, काशफी आज़ाद अहमद, ताज मोहम्मद अफसल, रूफी मसूद आलम, दरगाह के खुदाम कर्मचारी सभी एक साथ दफ्तरों से सरों पर डालियां लेकर बहुत ही अकीद के साथ अंदरूनी किले में पहुंचकर उन्हें मजार पर पेश किया। सलात और सलाम और कुल के बाद हाजिफ मेराज की अकीदत में दुआ शुरू की गई। इसमें हजारों की तादाद में आशिकाने गाजी भी शरीक रहे। 2017 विधानसभा चुनाव में महोबा सदर सीट पर सपा बसपा के बीच हुए खूनी संघर्ष में निर्दलीय प्रत्याशी की मौत और सपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री के बेटे समर्थक को गोली लग जाने के मामले में न्यायालय का फैसला आया। 6 साल बाद न्यायालय ने अपने फैसले में पूर्व मंत्री के बेटे को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास, पूर्व विधायक के बेटे को हत्या के प्रयास का दोषी मानते हुए 10 साल की कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई।
जबकि इस मामले में 11 आरोपियों का दोष सिद्ध न होने पर उन्हें बरी कर दिया गया। हाई प्रोफाइल मामले के फैसले के चलते कोर्ट में खासा गहमा गहमी देखी गई। मामला सन 2017 विधानसभा चुनाव का है। बसपा प्रत्याशी श्री अनमर्दन नाना के पुत्र हिमांचल व समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री सिद्धू गोपाल साहू जी के पुत्र श्री साकेत साहू दोनों के बीच आपस में बजरिया चौकी रेलवे स्टेशन के पास में है वहां पे विवाद हुआ। दोनों पक्षों में फायरिंग हुई और इसके हिमांचल के साथी राकेश को गोली लगी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वह गोली लगने से साकेत साहू भी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के समर्थकों के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई। दोनों का क्रास केस मुकदमा चला। दोनों केसों की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह व ADGC सुरेंद्र राजपूत के द्वारा की गई। बदायूं के कादर चौक पुलिस सर्प बस्ती में रमजानपुर के मेले में हो रहे बारबालाओं का अश्लील डांस कादर चौक थाना पुलिस अश्लीलत डांस वीडियो को पुराना बताकर झूठी रिपोर्ट लगाकर उच्च अधिकारियों को गुमराह कर रही है। आपको बता दें कि मेला चौक के चार दर्शकों को बैराठी शो के अंदर नहीं ले जाने देती मोबाइल। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक कादर चौक डांस पार्टियों से मोटी रकम लेकर अधिकारियों को झूठी रिपोर्ट भेजकर गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उच्च अधिकारी जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। बारबालाओं के अश्लील डांस का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, लेकिन उच्च अधिकारी ने वायरल वीडियो की पुष्टि करने के लिए मेले में जाकर नहीं देखा। धार्मिक मेले में अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे पुलिस की इस चह पर उर्स के मेले में जमकर अश्लील डांस हो रहा है। वीडियो वायरल होने पर जांच में पुलिस जुटी हुई है। कादर चौक थाना क्षेत्र के ग्राम रमजानपुर में लगे उर्स का ये पूरा मामला है। कासगंज में पुलिस हिरासत में फांसी लगाने वाले युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। अलीगढ़ में इलाज के दौरान आरोपी युवक की हुई मौत बीती 9 फरवरी को कोतवाली अंबापुर के हवालात में बंद आरोपी ने शौचालय में फांसी लगाई थी। गंभीर हालत में आरोपी गौरव को अलीगढ़ रेफर किया गया था। बीते 5 दिनों से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में आरोपी गौरव का इलाज चल रहा था। 3 फरवरी से क्षेत्र की लड़की भगाने के आरोप में बंद था आरोपी गौरव। SP ने इस पूरे मामले में अंबापुर कोतवाली प्रभारी विवेचक को निलंबित किया। परिवार की तहरीर पर पुलिस लड़के के भाई पिता सहित अज्ञात पुलिस कर्मियों पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने अलीगढ़ में गौरव के शव का पोस्टमार्टम कराया। मृतक गौरव के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। पुलिस की निगरानी में मृतक गौरव का शव मृतक के गाँव सुरहापुर में ASP CO सहित कासगंज एटा अलीगढ़ के कई थानों की फोर्स मौजूद रही। अंबापुर कोतवाली क्षेत्र के गाँव सुलहेपुर का रहने वाला है मृतक गौरव। 43 साल पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में हुए कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद दस्यु सुंदरी फूलन देवी का नाम सुर्खियों में आ गया था और राज्य से लेकर केंद्र तक की सरकार हिल गई थी। एक साथ 20 लोगों को लाइन में खड़ा करने के दौरान गोलियों से छलनी कर दिया गया था, जो देश में बेहमई कांड के नाम से चर्चित हुआ। 43 साल बाद इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें एक आरोपी को उम्र कैद की सजा और एक को दोषमुक्त कर दिया गया। बेहमई का नाम आते ही एक बड़े नरसंहार की रक्त रंजित कहानी याद आ जाती है, जिसमें एक साथ ही एक ही जाति के 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और इस नरसंहार को अंजाम देने वाली एक ऐसी डकैत थी जिसे लोग फूलन देवी के नाम से जानते थे। चंबल से सियासत का सफर तय करने वाली फूलन ने अपने साथियों संग खून की होली खेली थी। वह इस मामले में ज्यादातर लोग अपनी उम्र के चलते इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। 14 फरवरी 1981 में कानपुर देहात के राजपुर क्षेत्र के बेमई गांव में हुआ था बेमई कांड, जिसमें 43 साल के लंबे समय के बाद फैसला आया है, जबकि इस पूरे मामले में अब कुल 2 ही आरोपी जीवित बचे और बाकी सभी की मौत हो चुकी है, जिसके चलते कानपुर देहात न्यायालय में एक आरोपी विश्वनाथ को संदेह के चलते न्यायालय ने दोषमुक्त किया और अभियुक्त श्याम बाबू आरोप सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपए का अर्थदंड का फैसला सुनाया गया है। न्याय में विलंब, एक तरह से न्याय न देना है। 43 साल तक एक जो वादी था उसकी भी डेथ हो गई, बहुत सारे जो उसके गवाह थे उनकी डेथ हो गई, जो पीड़ित परिवार थे जिनके परिवार के लोगों की हत्या हुई उनमें बहुत सारे लोग अब नहीं रहे जो न्याय पाने की आस में थे, और उसके साथ में इसमें जो बहुत सारे जो मूल्यवान हैं उनकी भी डेथ हो गई। ऐसी स्थितियों में ये एक ऐसा मुकदमा रहा जो दिखाता है भारतीय न्याय व्यवस्था को कि अगर किसी को न्याय से खेलना है तो जो कानून के जो प्राविधान दिए गए हैं उनमें कैसे खेला जाए, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्योंकि 14 फरवरी 1981 को ये दुर्दांत घटना पंजाब नेशनल बैंक अचल कार्यालय लखनऊ द्वारा अपनी पुरानी NPA ऋण धारकों को ऋण से मुक्त के लिए एक मुश्त समाधान योजना मेगा कैंप की सौगात दी। प्रधान कार्यालय से पधारे दीपक तरेजा, उप महाप्रबंधक शास्त्र विभाग प्रधान कार्यालय नई दिल्ली अचल शस्त्र प्रमुख श्वेतांग कुमार, अप अचल शास्त्रा प्रमुख प्रमिला राय अचल शास्त्रा की उपस्थिति में बाराबंकी जिले में मेगा ऋण मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार के रहते कोई भी गरीबों को उजाड़ नहीं पाएगा, किसी ने ऐसा दुस्साहस किया तो उसके खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गरीबों की जमीन तो बचाई ही जाएगी, साथ ही जिन जिन भी जरूरतमंदों को अभी पक्का मकान नहीं मिला है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में लाकर पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम योगी ने सारी बातें गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए कही। इन बातों पर अमल करने को लेकर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक खुद पहुंचे, सबकी समस्याओं को सुनते हुए आश्वस्त किया, हर समस्या को समयबद्ध किया, पारदर्शी और संतुष्टि पर निर्धारण किया जाएगा। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 500 लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि किसी भी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को जाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकार किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगी और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है। मोबा में थाना करना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे अधेड़ को रौंद दिया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्राम नूरिया निवासी मोहम्मद अजीज की बेटी सायना महोबा के एक स्कूल पढ़ती थी। जब उसकी बेटी स्कूल जा रही थी, अजीज उसे बस में बिठाकर वापस लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे रौंद दिया। हादसे के बाद मृतक का शरीर ट्रक में ही फंस गया और ट्रक उसे लगभग 100 मीटर तक घसीटता ले गया, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं राहगीरों की सूचना पर टोल प्लाजा पुलिस के द्वारा भाग रहे ट्रक को हिरासत में लिया गया। घटना की खबर मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूली बस में टक्कर मार दी। स्कूली बस में छात्र सवार थे 30, बस चालक ने दम तोड़ दिया। 3 बच्चों की हालत नाजुक है, अभिभावकों का रो रोकर बुरा हाल है। टक्कर से बस के परखच्चे उड़ गए, सड़क पर जाम लगा हुआ है। थाना मंडावर के चंदक रोड का पूरा मामला। आज सुबह लगभग 9 बजे मंडावर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मंडावर चंदक रोड पे एक स्कूल बस का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें स्कूल बस ड्राइवर की दुखद मृत्यु हुई है। आज कोहरा बहुत ज़्यादा था उस एरिया में, 18 बच्चे घायल हुए। इन घायल बच्चों को तत्काल पुलिस ने अस्पताल में एडमिट कराया, 4 अलग अलग अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है। मेरे द्वारा सभी अस्पतालों का भ्रमण किया गया, डॉक्टरों से बातचीत की गई, बच्चों का हालचाल जाना गया तथा उनके पेरेंट्स से बातचीत की गई। सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है, कुछ बच्चों के हेड इंजरी आई है, इनका बेस्ट ट्रीटमेंट को उपलब्ध कराया जा रहा है तथा डॉक्टरों ने ये बताया कि उनकी हालत खतरे से बाहर है और उनको शीघ्र ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, अभियोग दर्ज किया जा रहा है, समस्त वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। थैंक यू। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।